बलात्कार के आरोपी मुकेश बोरा की गिरफ्तारी को लेकर महिला कांग्रेस का धरना प्रदर्शन। नमस्कार, आप देख रहे हैं UK 24x7 न्यूज। वहीं पूरी खबर देखने से पहले हमारे चैनल UK 24x7 न्यूज को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें व फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलें, ताकि उत्तराखंड की तमाम खबरें आप तक पहुंच सके। लालकुआं विधवा महिला से बलात्कार के आरोपी लालकुआं दुग्ध संघ के अध्यक्ष मुकेश बोरा की गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस उग्र है। आज इसी को लेकर महिला कांग्रेस ने कोतवाली गेट पर आरोपी मुकेश बोरा के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान महिलाओं ने राज्य सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए कोतवाल दिनेश चंद्र फर्त्याल को ज्ञापन सौंपा, जिसमें महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुकेश बोरा को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की और साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जल्द ही आरोपी मुकेश बोरा की गिरफ्तारी नहीं की गई, तो कांग्रेस पूरे प्रदेश में उग्र आंदोलन को बाध्य होगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। यहां कांग्रेस पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता बीना जोशी के नेतृत्व में दर्जनों महिला कार्यकर्ताओं ने लालकुआ कोतवाली गेट पर दुष्कर्म के आरोपी मुकेश बोरा की गिरफ्तारी को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान आक्रोशित महिला ने राज्य सरकार के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की, जिसके बाद महिला कार्यकर्ताओं ने कोतवाली में पहुंचकर कोतवाल दिनेश चंद्र फर्त्याल को ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर आक्रोशित महिलाओं ने कहा कि प्रदेश में महिलाओं की हिफाजत में राज्य सरकार पूरी तरह फेल हो गई है। उन्होंने कहा कि आए दिन महिलाओं के साथ आपराधिक घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं। प्रदेश में महिलाएं और बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। भाजपा की सरकार जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, आज उस सरकार में ही महिलाएं सुरक्षित नहीं है। और जो भी महिलाओं से जुड़े मामले सामने आ रहे हैं, उसमें भाजपा नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं। सरकार आरोपी नेताओं को बचाने का काम कर रही है। उन्होंने पुलिस पर भी आरोपी को बचाने का आरोप लगाया। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जल्द ही आरोपी मुकेश बोरा की गिरफ्तारी नहीं की गई, तो कांग्रेस पूरे प्रदेश में उग्र आंदोलन को बाध्य होगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। देखिए पूरी खबर अंजलि पंत की UK 24x7 न्यूज के लिए हल्द्वानी। तो हम भाजपा सरकार की घोर निंदा करते हैं कि आज हमारे इस उत्तराखंड देवभूमि के अंदर इस तरीके से हमारी माताओं बहनों बेटियों पर इस तरीके से बलात्कार के जैसे जघन्य अपराध हो रहे हैं, उसके बावजूद भी दोषी बिल्कुल निचरा मतलब बेझिझक होकर के घूम रहा है। और सरकार ये नहीं कि दोषियों को सजा देने के लिए कुछ कार्रवाई करे, दोषियों को संरक्षण देने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। और आज हम यहाँ पर धरने पे बैठे हुए हैं और हमारी यही मांग है कि जो मुकेश बोरा यहाँ पर जिसने एक महिला के साथ उत्पीड़न बलात्कार जैसा कार्य किया, उसको गिरफ्तार जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। और अगर उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार नहीं किया गया, तो हम महिला कांग्रेस हमारी जो फ्रंटल संगठन हमारे कांग्रेस से यहाँ पर उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। और हम आज यहाँ पर चेतावनी देते हैं कि जल्द से जल्द मुकेश बोरा को गिरफ्तार किया जाए। जिस तरीके से आज देवभूमि जो हमारे देवताओं की भूमि मानी जाती है, और आज हमारी बेटियों पर इस तरीके से अत्याचार हो रहा है, हमारी बेटियाँ हमारे उत्तराखंड में सुरक्षित नहीं है। और जहाँ पर भी देखो हर जगह बलात्कार के केस में भारतीय जनता पार्टी के लोगों का नाम आ रहा है। अरे भारतीय जनता पार्टी के लोगों, शर्म करो। एक तरफ आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, और ऊपर से हमारी उत्तराखंड की देवभूमि की बेटियां सुरक्षित नहीं हैं आपके राज्य में। हम आपसे फिर कहना चाहते हैं कि अगर हमारी बेटियों के ऊपर इस तरीके से फिर कोई अत्याचार हुआ, तो हम महिलाएं सड़कों पर आकर के उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगी। और हमारी मांग यही है कि मुकेश बोरा को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, और अगर उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है, तो फिर उसके बाद परिणाम आप भुगतने के लिए तैयार रहिए। और हम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से आग्रह करते हैं कि जल्द से जल्द इन दोषियों को, चाहे वो साल्ट में हो, चाहे वो चंपावत में हो, चाहे वो लालकुआ में, चाहे वो ऋषिकेश में, अभी हमारे जो हुआ था अंकिता भंडारी को आज तक न्याय नहीं मिला हुआ है। तो हम आप लोगों से कहना चाहते हैं कि अगर वाकई में आप बेटियों को पढ़ाना और बेटियों को बचाना चाहते हैं, तो बेटियों को सुरक्षित रखने के लिए कदम उठाएं। और जो आपकी भारतीय जनता पार्टी के नेता इस जघन्य अपराध में शामिल हैं, उनको तुरंत से तुरंत गिरफ्तारी दें। हम कहते हैं उन्हें फांसी की सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई बेटी के ऊपर अत्याचार हो रहा है, अगर आप उनको सजा नहीं देंगे, तो इस तरीके का अपराध बढ़ते जाएंगे। हम बार बार आपसे यही आग्रह कर रहे हैं कि आप इन्हें जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी कार्रवाई और कड़ी से कड़ी सजा दें, वरना उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। गाँव की गलियों से शहर के शोर शराबे तक हम लाते हैं सही खबर। आप देख रहे हैं UK 24x7 न्यूज़, खबर वही जो है सच सही।